बेटियों को पढ़ने के लिए भेजी हो और वह सेक्स रैकेट में काम कर रही हैं। फला बोल रही हो ना? हाँ सर बोल रहे हैं। महिला घबरा जाती है, कारण कि सामने वाला पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा था। यह वीडियो कॉलिंग थी, उसके अगल बगल गनर थे, सशस्त्र सुरक्षाकर्मी थे। थाने से ही इंस्पेक्टर ने फोन किया था, वीडियो कॉलिंग करके उसने पूछा बेटी को कहाँ भेजी हो पढ़ने के लिए। महिला ने बताया आगरा। सेक्स रैकेट में काम करती है, पकड़ी गई है। सर 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 ऐसा ऐसा कैसे? चुप, ऐसे डांटा, डांट करके कहा यही लड़कियों को भेज करके करवाती हो, अब उसका नाम उजागर होगा, हम उसे जेल भी भेजेंगे। महिला गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है सर ऐसा मत करिए सर, ऐसा हमारे बच्चे तो ऐसा नहीं है। फिर डांटता है और कहता है कि तुम्हारे बच्चे ऐसा नहीं है, अगर अच्छा संस्कार देती तो इस प्रकार यह बच्चे तुम्हारे ऐसे अपराध में लिप्त नहीं होते, चलो अब चालान करेंगे हम। महिला गिड़गिड़ाती है, उधर से कहा जाता है कि ठीक है इस अकाउंट नंबर पर 1,00,000 रुपये तुरंत भेज दो। जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे करती जाओ, तनिक भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटी जाएगी जेल, और यह धाराएं ऐसी हैं जमानत भी नहीं होगी, इज्जत प्रतिष्ठा तार तार हो जाएगी, बेटी की शादी भी नहीं होगी। महिला हैं मिसेज वर्मा, जूनियर हाई स्कूल में अध्यापिका हैं, आगरा में ही अनछेरा एक राजकीय कन्या स्कूल है। महिला पसीने पसीने हो जाती हैं, सच में उनकी दो बेटियां और दोनों घर से बाहर हैं, दोनों पढ़ाई कर रही हैं, एक तैयारी कर रही है प्रतियोगी परीक्षाओं की और एक फार्मेसी की पढ़ाई कर रही है। महिला करे क्या, उसने किसी तरह से, उधर से अभी कहा गया कि तत्काल इस अकाउंट में भेजो, नंबर भेज दिया। उसने अपने लड़के दीपांशु को फ़ोन किया महिला ने, और कहा कि बेटा इस नंबर पर 1,00,000 रुपये भेज दो। उसने कहा मम्मी क्या हुआ? कहा कुछ नहीं बस भेज दो तुम, मैं कह रही हूँ भेज दो। बेटा बार बार पूछने का प्रयास कर रहा है, महिला नहीं बता रही है कि इसके मन में पता नहीं क्या जाएगा, भेजेगा नहीं भेजेगा, यदि पैसा हम नहीं भेजते हैं तो उधर से हमारी बेटी का चालान कर दिया जाएगा, इधर डिजिटल अरेस्ट किया है। यह है AI अपराध, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस अपराध के बारे में हमने वीडियो करके कई बार बताया है, लेकिन इस अपराध जो तात्कालिक अपराध की हम बात कर रहे हैं ताज नगरी की, उसने जान ले लिया। यह पहली घटना है जब डिजिटल अरेस्ट में किसी की जान गई है, लाखों लाख रुपए लोगों ने भेज दिया, वह कुछ करने ही नहीं देंगे आपको। अब दीपांशु से बात करके बताया, दीपांशु ने बहन से बात किया, फ़ोन किया, बहन सुरक्षित थी। दीपांशु ने कहा अरे मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। कहा नहीं बेटा तुम कर दो, मम्मी को तो घबराहट हो रही है, पसीना हो रहा है, उनकी स्थिति खराब होती जा रही है दीपांशु। अब महिला अचेत होकर के गिर जाती हैं, चूँकि डिजिटल अरेस्ट करते हैं तो आपको कुछ करने नहीं देंगे और इसमें आपका अकाउंट हैक कर लेंगे, जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं वह ले लेंगे, अकाउंट नंबर देंगे, उसमें पैसा आप भिजवाएंगे और धीरे धीरे सारा पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा, आपके विवेक को कुंद कर देंगे, आप इससे अधिक कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। बहनों का फ़ोन आता है मम्मी के पास, कहती हैं मम्मी हम ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मम्मी को तो सदमा लग गया था, और सदमा ऐसा लगा कि उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन इस तरह का आघात और वीडियो कॉलिंग करके जिस तरह का प्रेशर दिया गया, मानसिक प्रेशर, उसको वह झेल नहीं पाई। आपके यहाँ भी ऐसे तमाम फोन आए होंगे, अभी हमारे ही घर हमारे बहन के यहाँ फोन आ गया और कहा गया छोटी बहन के यहाँ कि तुम्हारा लड़का ऐसे ऐसे है और एक ऐसे केस में है, रेप केस में है, इन्वॉल्व है। बहन घबरा गई, हमने कहा तुम हमारा वीडियो अगर देखी होती तो यह स्थिति नहीं होती, वीडियो हमारा कितना काम का है, हमने कितना समझाया है लोगों को, कितना कितने लोग डिजिटल अरेस्ट हुए हैं, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले इस प्रकार के वीडियो हमने करना शुरू कर दिया, हमारी बहन की भी हालत ख़राब हुई। वह तो संयोग से भांजा हमारा वही था,
हमारी सिस्टर कह रही है कि ऐसा ऐसे बच्चे नहीं हैं, उधर से डांट रहा है, डांट करके ऐसे कह रहा है, तो भैया आप पर भी आ सकता है और हमारे ही हमारी शकल आ सकती है, आपके यहाँ फोन जाएगा और लगेगा कि ब्रजभूषण दुबे ही बोल रहे हैं, हमारे ही बस थोड़ा सा जो होठ हिलेगा आवाज़ से इसका मैच नहीं करेगा, हम कह देंगे कि हम इस समय यहाँ हैं और बड़ा दिक्कत है, हमारा एटीएम वटीएम सब गायब हो गया, कोई चोरी कर लिया, बड़ी दिक्कत है, इस नंबर में भेज दीजिए, हमारे सहयोगी का है। तो आप कहेंगे दुबे जी ने पहली बार कुछ कहा है तो 10-5 हज़ार भेज ही देंगे, क्रेडिट रहेगी तो 10-20 हज़ार भी आ जाएगा, उनका काम तो हो गया। अब जो नंबर थे दीपांशु जी ने जो नंबर दिया तो एक भारत का था, दूसरा नंबर पाकिस्तान का था, जान तो चली गई। इसमें एक ही चीज़ है कि जागरूकता पैदा हो, जगह जगह पुलिस के अधिकारी अभी यही लोग ठीक से नहीं पढ़ पाए, अगर देखा जाए कई थानाध्यक्ष और ऐसे लोगों से हमने बातचीत किया 2-3 महीने पहले तो वह इसके बारे में पूरी तौर पर भिज्ञ नहीं थे। मैं प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार जी से चाहूँगा और जो इस क्षेत्र में जागरूक करने वाली जो टीम है उनसे चाहूँगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से चाहूँगा कि अत्यल्प समय में, जीवन बड़ा बहुमूल्य है, किसी के साथ हो सकता है और यह अपना जीवन उसमें समाप्त हो सकता है, जैसा कि अध्यापिका के साथ हुआ, जान तो वापस नहीं लौटेगी, सदमा ऐसा लगा कि जीवन लीला समाप्त हो गई। ऐसे में पता नहीं वो पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे। एक बार ऐसे ही एक महिला को बताया गया कि तुम्हारी लाटरी लगी है, ध्यान से सुन लीजिए, बेठौरा गांव है हमारे यहाँ, बिरनो थाना क्षेत्र है और डॉक्टर उमेश श्रीवास्तव हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक थे, DIG से सेवानिवृत्त हुए, तो उस महिला से 25 लाख की लॉटरी लगी थी, 4.5 लाख तक उससे ले लिया गया, यह भेजिए वह भेजिए, ऐसे करना है वैसे करना है। अब लॉटरी 25 लाख की लॉटरी उस समय लगी थी, हम उन दिनों जिला पंचायत के मेंबर थे, हम गए पुलिस कप्तान के यहाँ, हमने कहा देखिए इन नंबरों पर मंगाया है, आप एक्शन लीजिए। तो पुलिस कप्तान ने अपनी मोबाइल निकाला और हमें दे दिया, कहा कि यह लीजिए, हमारी 2 करोड़ की लॉटरी लगी है और मैं इनका कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा। 92 से नंबर शुरू हुए थे, मुझे स्मरण है, उन्होंने ऐसे हाथ पैर फैला दिया, अब इसको क्या कहेंगे आप। तो भैया अपनी जान की सुरक्षा करना है, अपने माल की सुरक्षा करना है, पुलिस पता नहीं कब करेगी, करेगी नहीं करेगी, लेकिन आप अगर वीडियो कॉलिंग पर अगर वीडियो कॉल आता है तो आप उसे ना उठाएं, आप तभी उठाएं जब आपके जानने वाले हों, आपके पास नंबर से वो ऐसे। एक चीज़ और कहूँगा, तमाम फौजी भाइयों से भी कहूँगा, जहाँ जहाँ वो तैनात हैं बहुत बार वीडियो कॉलिंग करते हैं, कई लोगों को तो मैंने, हमसे छोटे ही होंगे जो भी फौज में होंगे, कई को मैंने डांटा भी, एक तो है बंदा वो मानता ही नहीं है, कई बार डांटा, हमने कहा ब्लॉक कर देंगे, अरे सर देखिए हम यहाँ आए, हमने कहा देखो इस तरह से दिखा भी नहीं सकते हो तुम, कहीं बॉर्डर पर हो, पाकिस्तान की सीमा पर हो, लेह लद्दाख में हो, क्यों दिखाओगे हमको, तुम वीडियो करके कोई भेज दो हम देख लेंगे, अगर उसका कहीं प्रयोग करना होगा तो हम कर भी लेंगे, वीडियो कॉलिंग करके हमको दिखा नहीं सकते हो। तो इस तरह से मैंने डांटा भी, समझाया भी। अब उनकी आदत क्या है, अब उनकी बहुरिया तो घर पर है और वीडियो कॉलिंग करके ही बात करेंगे, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कम से कम हमारे यहाँ करें, बहुत ज़रूरी हो तो बता करके करें, ऐसे किसी को वीडियो कॉलिंग करना भी नहीं है, किन परिस्थितियों में होगा, कैसे होगा, आप कैसे कर सकते हैं, उसके निजता का अधिकार है, एकांतता का अधिकार है, यह संविधान वर्णित अधिकार है, उसके अधिकार के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। फिलहाल विनम्र श्रद्धांजलि आगरा की उन महिला को जिनकी जान ले लिया डिजिटल अरेस्ट करके और AI अपराध ने जान ले लिया है, पुलिस महानिदेशक और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक चुनौती है, हम भी सहभागी बने, बताइए हम करेंगे वीडियो, डट करके करेंगे, हमारी ड्यूटी है, हम कोई ऐसे थोड़े ही हैं, जहां कहेंगे हम आकर के वीडियो करेंगे। तो इस तरह से लोगों को बचाना है, जागरूक करना है, जागरूकता ही एकमात्र हमारा उद्देश्य है और आपका भी। दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, AI अपराध ने जो जान लिया है इस पर वीडियो, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, सादर नमस्कार।